हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जी विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो हम लोग 14 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 14वां चैप्टर कौन सा? जंतु उत्तक। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अनुवांशिकी। आपको बता दें कि जनरल साइंस सूची में ये सभी लेक्चर पड़े रहेंगे, आप कभी भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक जगह ही। चलिए शुरू करते हैं। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की समान पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्धांध होंगे। एक वर्धांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्धांध होने की संभावना क्या है? 0। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया? डब्ल्यू एल जोहानसन ने। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता और विचरण का। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होते हैं? पुत्रियों के पुत्तों में। हीमोफीलिया किस प्रकार की व्याधि है? अनुवांशिक। अनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं? मेंडल। जीन किसकी इकाई है? अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग। ठीक, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया? वाटसन और किक ने, क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का एक्स वाई और स्त्री का एक्स। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वीडल व टेटम ने। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 23। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? एक्स वाई। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? पिता का। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों द्वारा। लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है? एक्स गुणसूत्र की वंशगति। आगे बात करते हैं, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का धक्का नहीं बनता। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। और अगर पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स मिले तो लड़की उत्पन्न होगी। ठीक है, जन्म होगा लड़की का। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कॉर्न वर्क को। ठीक, आगे बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन की बात कर लेते हैं। चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने सामूहिक साहसिक समुद्री यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा में ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वे पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए, वे घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वे यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीसीज में विभिन्नताएं आती हैं। उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता है, परंतु ये दोनों वैज्ञानिकों ना तो एक दूसरे को ना ही उनके कार्य के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु वे एक प्रकृति शास्त्री भी थे तथा उनका एक शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में था। ठीक, तो ये हमारा 15वां
चैप्टर था अनुवांश की। अब बात करेंगे 16वें चैप्टर में उद्विकास। ठीक है,